हेलो फ्रेंड, तो आज हमारे यहाँ वाइट वॉश मतलब स्टार्ट हो गया, तो मैं यहाँ अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ, सामान वगैरह खाली कर रही हूँ रूम, और पर्दे वगैरह निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैं अपना जो भी है मतलब कमरा खाली कर दूँगी, जिससे जो वाइट वॉश होगा वो इजीली वो शुरू कर देंगे। तो मैंने जो अपने रूम में जो किया है वो ऐसा किया है, जैसे मतलब मैं रहती हूँ अभी, सामने ऑरेंज है और इधर थोड़ा स्काई ब्लू जैसा है कुछ कुछ, और बस ये अलमारी वगैरह हमने नहीं निकालनी थी, बेड वगैरह। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ, मतलब झाड़ू से पहले ऐसे ही कूड़ा भरने के बाद फिर जो स्टील वाला जूना होता है उससे रगड़ रगड़ के इसे साफ़ करूँगी, फिर इसमें बाद में लास्ट में पानी डालूँगी मैं। ये ना पेंट जो होता है वो छूटता नहीं, बहुत मुश्किल से छूटता, और मैंने पहले पत्ती से छुड़ाने की कोशिश करी लेकिन पत्ती से तो हाथ में कई बार लग चुकी थी, तो इसलिए फिर मैंने ये स्टील का चूना ले लिया। तो स्टील के चूने से मैं इसे रफ़ कर रही हूँ, इसे उससे स्क्रब उससे ना आसानी से स्क्रब हो रहा था, छूट भी ईजीली रहा था उससे। ये तो ऐसा होता है ना, जब पेंट होता है तो पेंट करने वाले तो करके चले जाते हैं लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा मैसी मैसी जो रहता है उसे बहुत मुश्किल से वो छूटता है। तो अभी मैं इसकी क्लीनिंग कर लूँगी। एक्चुअली मैंने अभी मोटा मोटा कूड़ा भर लिया था और बाकी मैंने पानी नहीं डाला था इसमें, क्योंकि एक साथ पानी डालते तो दीवारों पे छींट जाती, तो वो अभी गंदा हो जाता सारा। और यहाँ पर मैं अपनी अलमारी वगैरह है उन्हें क्लीन कर लूँगी। ये दूसरा रूम है, ये भी रेडी हो चुका है। यहाँ मेरी क्लीनिंग सारी हो चुकी है और मैं नहा चुकी हूँ, और अभी मेरे बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं और देखो सामान अभी ऐसे ही रखा हुआ है, और मेरा रूम तो मतलब क्लीन हो चुका है और बाहर का अभी थोड़ा मैसी मैसी सा हो रहा है। तो फ्रेंड, अभी मैंने अपनी कुछ कुछ क्लीनिंग कर ली है लेकिन बाहर की रह गई है, तो उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।